आप तो हेलो दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से। अभी दादाजी हैं, इनके घर में एक कोई सांप निकला है। दादाजी लगभग 2 घंटे से हमें ढूंढ रहे थे गांव में जाके। दादाजी एक बार गांव का नाम बता दीजिए आपका। कटरिया गांव का नाम है, जो हमारे घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। ब्रह्मदेव दादाजी का नाम है। और एक सांप जो है परसों कल 2:30 बजे से ही वो परेशान करके रखा है पूरे घर को। और देखिए कभी वो इस मुक्की में या उस मुक्की में आ जा रहा है। दिखाने का प्रयास करिए पास से। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठा हुआ है। काफ़ी बिग साइज का ये कोबरा सांप है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मोटा सांप है ये। देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम उसे एक जगह दबाने और अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। बस इतने पे ही रखना है, लेकिन वो सरकेगा ही, सरक गया नीचे। यहाँ हमको तोड़ने ही इधर जा रहा है। वहां से निकला है क्या? उधर से देखिए तो निकला है। थोड़ा सा ले जाइए ना उधर से। दोस्तों इस साइड से भी निकला है और आगे से भी। अच्छा ये रामा से तोड़ पाए क्या कोई ये वाला दीवार? पहले ही दोनों काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एक साइड से सांप को पकड़ा गया है और एक साइड से तोड़ा भी जा रहा है। काफ़ी बेहद ही मोटा सांप है ये। दोस्तों देख सकते हैं बेहद ही बड़ा सांप है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़ा सांप था, किस तरीके से अंदर घुसा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं काफी बेहद ही बड़ा सांप है ये। ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ये कुछ ना कुछ खाया हुआ है। दोस्तों अभी जो टाइम चल रहा है, अब धीरे धीरे सर्दी का टाइम आने वाला है और इसी कारण से ये सांप जो है भोजन करके ये अपना बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा। ये आगे 3-4 महीने पूरी ठंडी नहीं निकलेगा। दोस्तों बेहद ही जहरीला सांप है ये। इसी को नाग, फेटार और गेहुअन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए काफ़ी गर्जहट की आवाज़ है इसके अंदर। चूहा खाया हुआ है ये। दोस्तों ये सांप बहुत सभी लोगों को परेशान करके रख दिया था 2 दिनों से। काफ़ी पुराना सांप है। देखिए अब ठंडी का दिन आ रहा है इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नहीं तो बहुत तेज़ भगता ये।
दोस्तों देखिए ज़मीन से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक ये उठ सकता है। दोस्तों सांप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांप बीन पे नाचता है, तो बीन पे नाचता नहीं बल्कि ये काटने का एक टारगेट बनाता है। देखिए ये जूता है ना कि ये कोई बीन है, फिर भी ये इधर उधर डांस कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा है बस इसलिए है कि ये जो है काटने का एक टारगेट बना रहा है। ये मूवमेंट वाली चीज़ों को टारगेट बनाते हैं काटने के लिए। दोस्तों देखिए इसके पीछे में यू शेप बना हुआ है और इसे ही शंकर भगवान का एक स्वरूप भी माना जाता है। और दोस्तों वीडियो देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके साथ ऐसे में हादसा हो सकता है। ये नहीं नहीं ये बहुत अच्छा जगह अपने लिए ढूंढा हुआ था, अब वहाँ ये रहता तो पूरी ठंडी यहीं रह। तो चलिए दोस्तों अब इसके हेड को कैच करते हैं और एक बोरी दे दीजिए ना, देखिएगा कटा फटा ना हो बोरी। नहीं मंत्र तंत्र नहीं है, इसको किसी भी मंत्र से नहीं निकाला गया है, इसको तो बस दिखा है उसको कहाँ से तोड़ ताड़ के निकाला गया है। छोड़ दीजिए भग जाएगा अभी उधर। वो ऐसे क्यों, वो यहाँ पे खड़ा क्यों है दोस्तों? आज भी गांव में ऐसा अंधविश्वास है कि लोग ये कहते हैं कि सांप जो है मंत्र से काबू किया जा सकता है, और शायद अभी भी लोगों का यही मानना है कि इसे मंत्र से काबू कर लिया गया है इसीलिए ये कहीं नहीं जा रहा है। इसके नहीं जाने का रीज़न ये है कि ये डरा हुआ है हमसे और डराने का प्रयास भी कर रहा है इसीलिए वो खड़ा है। दोस्तों जो कोबरा सांप है वो हमेशा एक जगह पे खड़ा होता है, काफ़ी गुस्सैला और काफ़ी साहसी जीवन जीने वाला एक किंग की तरह ये रहता है। देखिए ये काटने का भी प्रयास कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सांप को ये मालूम है कि कौन हमें मारने वाला है कौन बचाने वाला है, ये कुछ नहीं मालूम है। ये हमें भी काट सकता है, अगर सांप गलती से किसी को भी बाइट करता है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, ना कि कहीं तांत्रिक के पास झाड़ फूँक कराने जाइए क्योंकि झाड़ फूँक में आपकी जान जा सकती है। जैसे सांप किसी को बाइट करता है आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंदर कुछ खाया हुआ है, ये कोई बड़ा सा चूहा ये खाया हुआ है। दोस्तों इनके लिए भोजन की अभी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि ये भोजन करेंगे तभी पूरी ठंडी ये जीवित रह पाएंगे। ये किसी को भी जानबूझ के बाइट करने के लिए नहीं आता है, सांप तो खुद ये चाहता है कि हम इंसानों से बिल्कुल दूरी बना कर रहें। तो जब बोरी देखिए चेक करिए फटा नहीं ना है, फटा तो है बोरी, वो क्या हम दिख रहा है। अच्छा अगर ऐसा रहता कि मंत्र काम करता तो मोदी जी को मंत्र से नहीं काबू कर लिया जाता या बलिया के डीएम को काबू कर लिया जाता, तो ये सब चीज़ें फर्जी है। वो बस लोगों को भरमाते थे सांप दिख जाता था तो निकाल देते थे, दिख जाएगा तो निकाल देंगे, नहीं दिखा तो अपना ही सांप लेके गए गिरा दिए। वैसे कई लोगों को हम पकड़े हैं, हम पकड़े हैं। हम कोई मंत्र पढ़े हैं आपके सामने, हम तो कहें दादाजी कहाँ है, यहाँ है, गए वहाँ से तोड़ ताड़ के दबा के कैसे कैसे निकाला गया है। अगर मंत्र से बुलाना यही नहीं बुलाते मंत्र से आ जाता निकल के, ऐसा कहीं नहीं है कि मंत्र वंत्र कुछ नहीं होता है, वो सब फर्जी काम है। यहाँ क्यों नहीं गिर गया है, यहाँ तो सामने तो हम तो आए उल्टा आपका दीवार भी तोड़ दिए। चूहा खाया है, दोस्तों आप देख सकते हैं इसका शरीर यहाँ मोटा है और यहीं पे चूहा खा के पेट में रखा हुआ है। हालांकि इसको थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे तक भी हमें भी पता है कि इसे भी भोजन की आवश्यकता है। दोस्तों इसके ऊपर में ही दो जहरीले दांत होते हैं, दिख रहा है मसूड़े में ये जो दांत छिपा है इसी में जहर वाला दांत होता है, जब ये काटेगा तो दो निशान बनेगा, अगर आदमी झाड़ फूँक में गया तो उसकी जान चली जाएगी।
इसलिए जब भी स्नेक बाइट हो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, जितना ही ज़्यादा हॉस्पिटल जल्दी पहुँचेंगे उतने ही बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। थोड़ा सा फैलाइए ना, बस 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 छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखकर आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, आपकी नज़रों के सामने इसे बचा लिया गया है बिना इसे किसी छेड़छाड़ के, और चलिए इसे लेके चलते हैं कहीं खुले पर्यावरण में, इसे भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसे कामों में बिल्कुल जान का खतरा बना रहता है, और इसे भी बचा लिया गया है, घर को भी सुरक्षित कर लिया गया है। और तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।